आज हम बनाएंगे ब्रेड का एक बहुत ही यमी टेस्टी नाश्ता, ब्रेड के क्रंची टोस्ट, जिसके लिए मैंने लिए हैं ये वेजिटेबल। बहुत अच्छे से कद्दूकस कर लेना है ताकि ब्रेड के ऊपर बहुत अच्छे से ये लग जाएंगे। और मैंने लिया है टमाटर, बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, प्याज, गाजर, और भी मैंने इसको हेल्दी बनाने के लिए लिए खूब सारी धनिया पत्ती और ये पालक। ब्रेड के कॉर्नर्स मैंने कट कर दिए हैं और अब हम इसका एक ठीक घोल बना लेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने ज़बरदस्त टेस्टी हमारे टोस्ट बन जाएंगे। बेसन के घोल में हम किस चीज़ को ऐड करेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। हम इसका ठीक घोल बनाएंगे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना है। में हम ऐड करेंगे धनिया, लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा अच्छा कलर दिखने के लिए हम इसमें हल्दी भी, हम नमक भी ऐड कर देते हैं। अब इसको विस्कर की सहायता से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सारे वेजिटेबल इसमें हम डाल देंगे और उसको 10 या 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे, जिससे बेसन भी बहुत अच्छे से फूल जाएगा और सब्जियां भी हमारी बहुत अच्छे से इसमें घुल जाएगी। बेसन के घोल की कंसिस्टेंसी इतनी हमको गाढ़ी रखनी है, क्योंकि अभी हम इसमें वेजिटेबल भी ऐड करेंगे। आप अपने मनपसंद के वेजिटेबल भी इसमें ऐड कर सकते हैं, बारीक कटे हुए बीन्स भी ले सकते हैं, बीट भी डाल सकते हैं, जो भी आपको सब्जियां पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं। और सब्जी जो है वो पानी छोड़ेगी, इसलिए घोल को थोड़ा सा हम ठीक ही रखेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल देंगे, जिससे ये बहुत ही स्पाइसी टोस्ट बनकर हमारे तैयार हो जाएंगे। आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो अगर आपको तीखा नहीं खाना है, और आप चाहो तो इसमें हरी मिर्ची भी ऐड कर सकते हो। सारे वेजिटेबल्स मैं इसमें ऐड कर दूंगी। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया कलरफुल वेजिटेबल्स मैंने लिए हुए हैं। ये देखकर बच्चे बड़े खुश होकर इस टोस्ट को खाते हैं और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। आप देख सकते हैं बैटर हमारा कितना बढ़िया कलरफुल हो गया है, और जब इस पर ब्रेड लगेगी तो ये ब्रेड जो बनकर तैयार होगी वो इतनी बढ़िया कलरफुल दिखेगी। हम इसको रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, जिससे बढ़िया सब्जी में भी एक अच्छा सा मॉइस्चर आ जाएगा और हमारा घोल है जो फूल कर बढ़िया रेडी हो जाएगा। घोल को रख के 10 मिनट हो गया है। मैंने इसको 10 मिनट तक रखा था, जिससे सब्जियां भी बहुत अच्छे से मॉइस्ट हो गई है, और ये देखिए आप बेसन भी हमारा बढ़िया फूल गया है। तवे पर हम ऑयल ग्रीस कर लेंगे, आप ऑयल की जगह पर बटर भी लगा सकते हैं। अब करना ये है हमको, ब्रेड को इस घोल में डिप करना है। अगर सब्जियां नहीं लगती है तो आप इस तरीके से ब्रेड के ऊपर सब्जी को लगा सकते हैं, और इसको बस हमको धीरे से उठाकर तवे के ऊपर रख देना है। थोड़ा सा ऑयल हम ऊपर की तरफ भी लगा देंगे। आप देख सकते हैं ब्रेड कितने बढ़िया कलरफुल लग रहे हैं, और बनने के बाद ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी और करारे लगेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। अब हमको स्पाइसी बनाने हैं, इसलिए थोड़ा सा चिली फ्लेक्स मैं इसके ऊपर भी स्प्रिंकल कर रही हूँ। आप चाहो तो हरी मिर्ची के बारीक बारीक पीसेस भी इस पर स्प्रिंकल कर सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको तीखा या फीका कर सकते हैं। हमको इसको धीमी धीमी आंच पर बनाना है और नॉन स्टिकी तवे पर ही बनाना है। देखिए आराम से ये निकल जाएंगे, और देख सकते हैं कितने बढ़िया कलरफुल भी लग रहे हैं हमारे ब्रेड के क्रंची टोस्ट, और कितने सारे वेजिटेबल के साथ बन रहे हैं और कितने हेल्दी भी बन रहे हैं। तो देखा दोस्तों कितने बढ़िया ये रेसिपी तैयार हो गई है हमारी, और कितनी क्विक रेसिपी है, कितने फटाफट बच्चों के लिए, हम टिफिन के लिए और इसको इवनिंग स्नैक्स के लिए किसी भी तरीके से इसको बना सकते हैं, और बहुत ही टेस्टी और यमी नाश्ता हमारा
तैयार हो गया है। तो अब मैं इसको सर्विंग प्लेट में निकालती हूँ। अब हम इसको सर्विंग प्लेट में निकाल देंगे और पिज़्ज़ा कटर से इसको कट कर देंगे और सॉस के साथ, चटनी के साथ, दही के साथ आप किसी भी चीज़ में इसको एंजॉय कर सकते हैं। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्विक और फटाफट बनने वाली रेसिपी कैसी लगी। और रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। गरमा गरम टमाटर सॉस के साथ, चटनी के साथ सर्व करें और रेसिपी को एंजॉय करें। टेक केयर, बाय बाय।